Hey guys, welcome to Commerce e Paathshala. So as you can see in the screen, today we are going to talk about ECO 12 elements of auditing. एक बहुत ही important topic आज हम करने वाले हैं इसी subject से. तो इस lecture को पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी. And exam के preparation के लिए all the best. आप चाहें तो हमसे notes ले सकते हैं. ये जो मैं आपको topic करा रहा हूँ, ये directly notes है मैं आपको करा रहा हूँ जो कि previous year के questions में आए हुए हैं. So आप हमसे directly notes purchase कर सकते हैं. BCom और MCom दोनों students के लिए कह रहा हूँ. एंड यस, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए. उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लो. मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट आकर के वॉच करते हैं बट सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी पढ़ाई और अच्छे तरीके से हो पाए. बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल नहीं पाएगा. आपको सब्सक्राइब करना है और फिर बेल आइकन दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपको जो है टाइम पर मिलता रहे और आपकी स्टडी भी ठीक तरीके से होती रहे, ठीक है ना. तो चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा. सो टॉपिक है हमारा, व्हाट इज फ्रॉड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड. तो फ्रॉड क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स क्या है फ्रॉड के. तो देखो, ये जो फ्रॉड है इन जनरल हम लोग सारी चीजें जानते हैं ऑलरेडी कि फ्रॉड क्या होता है. फ्रॉड का मतलब होता है कि कोई अगर आपका काट के चल गया, ठीक है ना, कोई काट के चला गया आपका, आपके साथ फ्रॉड हो गया. उसने बोला कि चलो ठीक है आप ये काम करो, आपको मैं इतने रुपए दूंगा. अब आपने काम तो कर दिया पर आपको रुपए मिले नहीं, उसका काम भी हो गया और आपने आपका जो काम था वो आपका हुआ ही नहीं, है ना. तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड, ठीक है ना. ऐसे लोग जो कि आपको बेवकूफ बनाते हैं, आपका काट के चले आते हैं, वो लाइक फ्रॉड की कैटेगरी में आ जाएगी. इन जनरल हम लोग ये जानते हैं. बट इसके ऊपर एक इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि फ्रॉड किसे कहेंगे या फ्रॉड कितने तरह का होता है. आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि फ्रॉड कितने तरह का होता है. यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज मैंने लिखा हुआ है, आइडेंटिटी थेफ्ट करना, इंश्योरेंस फ्रॉड करना, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड करना. So these are the types of frauds which are, you know, frequently happening with the peoples around you. लेकिन हम लोगों को पता नहीं चल पाता, ठीक है ना. तो चलिए फिर आज को हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं एक एक करके अच्छे तरीके से. थोड़ा मैं साइलेंट कर लेता हूँ अपना फोन, कुछ ज्यादा ही घंटी बजा रहा है. चलो फिर. सो फ्रॉड इज अ डिलिबरेट डिसेप्शन फॉर पर्सनल और फाइनेंशियल गेन. तो फ्रॉड क्या होता है, एक डिलिबरेट डिसेप्शन होता है जब आप अपने किसी, यू नो, फाइनेंशियल गेन के लिए. जब आप तो नहीं करोगे, कोई और ही करेगा, कोई अपने फाइनेंशियल गेन और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो क्या करता है, डिलिबरेटली जानबूझकर आपको बेवकूफ बनाता है या आपका काटता है, तो उसको हम फ्रॉड बोलेंगे, ठीक है ना. वो जानबूझ के कर रहा है, डिलिबरेटली कर रहा है. ऐसा नहीं कि वो गलती से कर दिया तो उसको फ्रॉड नहीं बोलते. पर कोई जानबूझ के कर रहा है भाई, तो वो बंदा तो आपको आपका काटने के लिए बैठा हुआ है वो, है ना. सो फ्रॉड इज अ डिलिबरेट डिसेप्शन फॉर अ पर्सनल और फाइनेंशियल गेन. एक ऐसा गेन जो कि पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है उसको पर्सनली कुछ फायदा हो रहा हो, या प्रोफेशनल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे भी वो हो सकता है. इन जनरल फ्रॉड ऑकर्स व्हेन समवन इंटेंशनली. मैं इसको थोड़ा कलरफुल करता हुआ चलता हूँ. बड़ी कलर वाला ऑप्शन कहाँ चला गया यार, कोई नहीं, मैं इसको हाईलाइट करता हुआ चलूंगा, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इस तरीके से. पहले तो इसमें कलर का ऑप्शन था बट वो मुझे दिख नहीं रहा, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं. सो इन जनरल फ्रॉड ऑकर्स व्हेन समवन इनिशियली मिसरिप्रेजेंट्स देमसेल्व्स और देयर एक्शंस टू ऑब्टेन बेनिफिट्स और एडवांटेजेस दैट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि इन जनरल अगर देखा जाए तो फ्रॉड तब होता है जब कोई बंदा जानबूझ करके इंटेंशनली खुद को मिसरिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, या उसके एक्शंस को कुछ इस तरीके से होती हैं ताकि वो एडवांटेज या फिर बेनिफिट ले सके आपसे जिसका वो हकदार नहीं है, है ना. वो ऐसे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स आपसे ले जाता है जिसका वो हकदार नहीं है, और वो ये बात जानबूझ के करता है, डिलिबरेटली करता है, इंटेंशनली करता है, तो उसे हम फ्रॉड बोलेंगे. द टाइप ऑफ फ्रॉड्स कैन वेरी वाइडली बट सम कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड, जो कि मैं एक करके अभी आपको बताने वाला हूँ. फ्रॉड जो होता है वो बहुत तरह का होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप का फ्रॉड होता है जो कि हम लोग को देखने को मिलता है, आए दिन हमें न्यूज समाचार में आपको जो है मिल जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहला तरह का जो फ्रॉड है वो है आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी चुरा लेना. आप हो कुछ और पर आप कुछ और बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना. मेरा नाम रचित अंसारी है बट मैं खुद को मुकेश अंबानी कहने की कोशिश कर रहा हूँ. ऑल्दो मुकेश अंबानी को सारे लोग जानते हैं बाई फेस, बाई, यू नो, न्यूज में रहते हैं इतने जो भी, पर मैं अगर उनको उनके जगह पे खुद को साबित करने की कोशिश करूँ तो ये अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है. बट छोटे छोटे लेवल पे, यू नो, मोहल्ले के लेवल पे या शहरों के लेवल पे कई बार ऐसा होता है कि लोग वो खुद को बताने की कोशिश करते हैं जो कि वो है ही नहीं, ताकि उनका फाइनेंशियल या फिर कोई पर्सनल बेनिफिट उनको मिल पाए, है ना. तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चोरी करना. नाउ दिस ऑकर्स व्हेन समवन स्टील्स अनदर पर्सन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज देयर नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर एंड यूज इट्स टू कमिट फ्रॉड, ठीक है ना. तो आइडेंटिटी थेफ्ट करना, एक तो मैंने वो बता दिया. यहाँ पे बहुत ही बेसिक बात बोली गई है, मैं थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा टॉपिक लेकर के चला गया था, हालांकि वैसा भी होता है,
यहाँ पे जो बेसिक बात बोली गई वो ये है कि जब कोई बंदा किसी और बंदे का ऐसा इंफॉर्मेशन को चुरा लेता है जिसके जरिए वो फ्रॉड कमिट कर सकता है। अब जैसे कि सपोज किसी ने आपका पैन कार्ड चुरा लिया, किसी ने आपका आधार कार्ड चुरा लिया, किसी ने आपका बैंक अकाउंट का नंबर चुरा लिया, या जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो आप किसी ने चुरा लिया, तो आपकी डिटेल्स तो उसके पास चली गई, तो वो आपके नाम पे पैसे उठा सकता है फाइनेंशियली। वो किसी भी बैंक में जाकर के, आई मीन क्रेडिट कार्ड का उसको पता है पासवर्ड वगैरह, या नहीं भी पता है, फिर भी अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके जरिए वो लोग फ्रॉड कमिट करते हैं, है ना। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि वो बंदा आप नहीं हो, वो आप बन करके आपके नाम पे फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो लेता है, तो आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, मैं थोड़ा बड़े लेवल पे चला गया मुकेश अंबानी के लेवल पे, बट ये बहुत ही बेसिक लेवल पे यहाँ पे बताने की कोशिश की है। दोनों तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन क्या सिमिलर ही है, अलग नहीं है, ठीक है ना। दूसरा है इंश्योरेंस फ्रॉड, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व्स समवन मेकिंग फॉल्स क्लेम्स टू एन इंश्योरेंस कंपनी इन ऑर्डर टू रिसीव बेनिफिट्स और कॉम्पनसेशन टू विच दे आर नॉट एंटाइटल्ड, है ना। तो यहाँ पे देखो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में नहीं बोला, यहाँ पे उस बंदे के बारे में बोला गया जो कि जानबूझ करके यू नो फ्रॉड करता है, और कंपनी को एक तरीके से वो फ्रॉड करने की कोशिश करता है, जो कि अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है, बट ऐसी चीजें भी होती हैं जहाँ पे इंश्योरेंस फ्रॉड हो जाते हैं। आपको वो कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए जो आप डिमांड कर रहे हो, आप कंपनी के पास जाकर के फ्रॉड डिमांड कर रहे हो, फॉल्स डिमांड कर रहे हो कि मेरा ये क्लेम बनता है, आपको ये क्लेम जो है देना, बट लेकिन आप उस क्लेम के लिए एंटाइटल्ड हो ही नहीं, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस फ्रॉड इस तरीके से हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड तो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन है, आपके पास भी कॉल वगैरह आता होगा कि सर आपके पास आइडल मनी है, आप हमें दे दो, मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, और आप अगर 5,000 रुपए देंगे तो मैं आपको 500 रुपए डेली आपको दूंगा। 5,000 रुपए तो आपके रहेंगे ही, प्लस 500 रुपए मैं डेली आपको कमा करके दूंगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके दूंगा। और जब आप ऐसा करते हो तो वो पैसे आपके लेकर के रफू चक्कर हो जाता है। शुरू में तो आपको अच्छा रिटर्न दिलाता है, फिर जब आप अपना कंट्रोल दे देते हो उनके हाथ में, तो वो सारी चीजें जो है निकाल के लेके चला जाता है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड अभी के टाइम पे बहुत कॉमन है, इन सब चीजों से बचोगे। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं डिटेल में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के बारे में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से मुझे याद आया, आप चाहे तो हमारे चैनल का यू नो जो हमारा लिंक है उसका यूज करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं एंजल ब्रोकिंग पे, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा और उसके ढेर सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़े से सजग है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो आप उस लिंक के थ्रू जब आप डीमैट ओपन करेंगे तो आप वहां से फिर वो चीजें कर पाएंगे अपना। लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो, किसी को भी अपना आईडी पासवर्ड वगैरह मत दिया करो, क्योंकि आप किसी और को दोगे वो आपको काट लेगा, जरूरत नहीं है करने का। खुद से करो, खुद से सीखो चीजों को पहले, अगर आपको नहीं आता है तो फिर वो चीजों को करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बस अंधाधुंध मुझे रिटर्न मिल गया 500 रुपए तो आपने सारे पैसे लगा दिए, बाद में कुछ रिटर्न आया ही नहीं, है ना, तो वो चीज नहीं करनी है। तो देखो, ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी फ्रॉड, है ना, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटीज फ्रॉड। दिस ऑकर्स व्हेन समवन मिसरिप्रेजेंट्स और विथहोल्ड्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू परसुएड अदर्स टू इन्वेस्ट मनी, है ना। कोई एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता करके यू नो आपसे पैसे लेने की कोशिश करेगा, आपसे इन्वेस्ट करवाने की कोशिश करेगा, ताकि उसके फायदे जो है वो हो सके, और वो फ्रॉड करता है, वो झूठ बोलता है आपको कि आप ये पहले स्टॉक उठा लो, आपका जो है इन्वेस्टमेंट अच्छा हो जाएगा, 5-6 महीने में जो है आपको पैसा डबल हो जाएगा, या अगले दिन ही इसकी प्राइसेस बढ़ने वाली है। एक न्यूज दमदार यू नो इनसाइडर ट्रेडिंग में बोलते हैं कि बहुत ही दमदार एक न्यूज आई है, इसका शेयर जो है 1-2 दिन में बहुत ही ऊपर उछलने वाला है, आप अभी से लेकर के बाय कर लो, है ना। तो उस तरह के फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं। चौथा है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया अभी के टाइम पे। मेरे अभी फ्रेंड के साथ भी हुआ था हाल ही में, किसी ने क्रेडिट कार्ड पे उसके जो है 10-12 हज़ार रुपए खर्च कर दिए, उसके पास जब मैसेज आया तब जाकर के उसने ब्लॉक कराया उसको, उसको भी पता नहीं था कि उसके साथ ये फ्रॉड हो गया। सो दिस टाइप ऑफ फ्रॉड ऑकर्स व्हेन समवन यूजेस अनदर पर्सन क्रेडिट कार्ड विदाउट देयर परमिशन टू मेक परचेजेस, ठीक है ना। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रॉड। अगर फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट अगर कोई और कर रहा है जिसको आपने परमिशन नहीं दे रखा, बट स्टिल वो आपका कार्ड यूज करके यू नो अपने फाइनेंशियल जो उसकी लाइबिलिटीज है उसको पूरा कर रहा है, तो ये तो एक तरह से फ्रॉड है ना, तो इसको क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बोलेंगे। बैंक फ्रॉड, दिस इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इलीगल एक्टिविटीज सच एज चेक किटिंग, एम्बेजलमेंट एंड फ्रॉडुलेंट लोन्स। फ्रॉडुलेंट लोन्स प्रोवाइड करना, एम्बेजलमेंट, ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, मुझे भी देखना पड़ेगा, बट दीज आर द थिंग्स, ठीक है, आपको इसको गूगल थोड़ा कर लेना यार। चेक किटिंग क्या होता है, एम्बेजलमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा कर लेंगे हम लोग। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ठीक से अभी याद नहीं आ रहा, तो इसको चेक कर लेंगे। तो बैंक में इस तरह के फ्रॉड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए। खैर, अगला है कंज्यूमर फ्रॉड। कंज्यूमर फ्रॉड फिर क्या होता है देख लेते हैं।
This occurs when someone makes false or misleading statement to consumer in order to sell them product or services. तो ये तो काफी कॉमन है. कोई भी बंदा आपके पास आ जाएगा आकर के बोलेगा भाई ये प्रोडक्ट ले लो इससे आपको बहुत सारे फायदे. मेरे साथ है क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और कंज्यूमर फ्रॉड आप बोल सकते हो कि मेरे साथ भी रिसेंटली हुआ. मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा या ले ही लेता हूँ यार छोड़ो ऐसी मतलब उनकी सर्विसेज है ना बैंक फिर भी ठीक है बट उसके साथ जो को ब्रांडेड पार्टनर है वो बहुत ही घटिया है. मैं आपको बताता हूँ मैंने अभी RBL बैंक और बजाज फिंसर्व दोनों का मिला करके मैंने एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड खरीदा था. बजाज फिंसर्व वाले जो रिप्रेजेंटेटिव वो मेरे पास आए कहते हैं कि सर आपको जो है ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको कैश लिमिट मिल जाएगा आप कैश में पैसे उठा सकते हो. जबकि मुझे पता है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आप कैश उठाते हो तो उसके ऊपर आपको कैश एडवांस भी उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह आपको लो है जो है लग जाता है. उनका कहना था कि नहीं सर आपको तो लगेगा ही नहीं आप पैसे उठा लो कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने चेक करने के लिए कर दिया. 500 रुपए मेरे कट गए यार बिना वजह के. ठीक है मैं भरोसा कर गया यार. बजाज फिंसर्व इतनी बड़ी कंपनी है इतने मतलब क्या बोलू इतने इतना उनका मार्केट कैपिटल है बट स्टिल चिंदी चोरी करते हैं वो लोग है ना. इस तरह का फ्रॉड जो आपके साथ भी होगा आप थोड़ा सा बच के रहना. कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश पैसे मत उठाना. डेबिट कार्ड का इस्तेमाल होता है कैश पैसे निकालने के लिए बैंक से. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैश निकालने के लिए कभी मत करना. क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ आपको पेमेंट के लिए करना है जब भी आपने पेमेंट करना है. अगर आप वहां पे POS है पॉइंट ऑफ सेल जो आपका मशीन होता है वो वहां पे अवेलेबल है आप क्रेडिट कार्ड से पे कर दो. बट कभी भी क्रेडिट कार्ड से ATM में जाकर के पैसे मत उठाना क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं बहुत ही भारी चार्जेस लगते हैं. ठीक है ना. तो ये फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ है. ये मैं आपके साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं. हम लोग इन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं ध्यान नहीं देते हैं. बहुत बहुत ही बड़ी बात कि हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से रीड नहीं करते हैं. हम भरोसा कर लेते हैं कि सामने वाली कंपनी का बंदा जो है आया हुआ है रिप्रेजेंटेटिव वो झूठ थोड़ी हमसे बोलेगा. मैंने भी भरोसा कर लिया मेरा कट गया 500 रुपया है ना. उससे भी बड़ा मेरा और क्या बोलूं वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ बट कट जाता है कभी कभी. तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना फाइनेंशियल चीजों के ऊपर ध्यान देना. 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हजारों में लाखों में अगर वो चीजें चली जाएंगी तो आप दिन भर रोते दिन भर क्या जिंदगी भर रोते रह जाओगे कि उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो गया. वो दिमाग में आपका रह जाता है. तो वो उस उन सब चीजों को होने से बचाना है खुद को. सातवां नंबर फ्रॉड है वायर फ्रॉड. ठीक है वायर फ्रॉड जो मैं जानता हूँ एक तरह का फ्रॉड होता है जहाँ पे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो वहां पे जो है वो चीजें हो जाती है ना. शायद ये वही है एक बार मैं रीड कर लेता हूँ. वायर फ्रॉड दिस इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. हाँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज करके ये फ्रॉड हो रहा है टू डिसीव समवन्स इनटू सेंडिंग मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ना. जैसे कि अभी बहुत ही चला हुआ था कि CRPF का मैं बंदा हूँ मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो आप मेरे से सामान ले लो. ये सारा का सारा नया नया सामान रखा हुआ है फ्रिज है AC है गद्दा है वगैरह जो भी है. तो आपने जब उसको परचेस करने के लिए उसको रिक्वेस्ट किया उसने आपको एक लिंक भेज दिया कि भैया आप इसके थ्रू पेमेंट कर दो. और जब आप पेमेंट करोगे पेमेंट कर दो नहीं एक्चुअली पेमेंट रिसीव करने वाली बात होती है कि मैं आपको पैसे भेज देता हूँ ऐसा कुछ होता है. लेकिन आपसे वो लोग पैसे पेमेंट करवा लेते हैं. मिलने आपको वाले थे आपसे करवा लिया गया. ठीक है मतलब जहाँ पे आपको पे नहीं करना था आपने वहां पे कर दिया. वो एक तरह का फ्रॉड जो है वो लोग करते हैं उसको हम लोग वायर फ्रॉड बोलते हैं. ठीक है ना बहुत ही कॉमन है ये आपने देखा होगा राइट. नाउ ओवरऑल फ्रॉड ये सात फ्रॉड टोटल हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं. अब इसका जो एंड है वो कर देते हैं जो फॉलो अप होता है. ओवरऑल फ्रॉड इज अ सीरियस क्राइम दैट कैन रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस. फ्रॉड एक तरह का सीरियस क्राइम होता है आप बोल सकते हो जिसके कारण से बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोला जा रहा है फाइनेंशियल लॉसेस जो है आपको हो सकते हैं एंड डैमेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. अब इसके कारण से इंडिविजुअल्स के बिजनेसेस उनका जो पर्सनल जो है वो भी जो है खराब होता है. ऐसी भी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट फ्रॉड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो इस तरह के फ्रॉड्स के साथ. और ये तभी आएगा जब आपके पास इन चीजों की जानकारी होगी कि भाई ऐसा हो रहा है ऐसी चीजें हो रही हैं और हमें जो है बच करके रहना है. सो इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा है ना. कैसे करेंगे सच एज सेफ गार्डिंग और पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बचा करके रखो किसी के साथ दो मत. वेरीफाई एंड लेजिटिमिटी ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. जब भी आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसको वेरीफाई करो लेजिटिमेट है कि नहीं है वो चेक करो. कभी 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 क्या होता है कि इलीगल चीजों में भी हम इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए. तो उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल आपके पर्सनल लेवल पर जो है बहुत नुकसान आपको हो सकता है. तो इस तरह की चीजों को जो है बचना है.
होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, असाइनमेंट्स अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड मत करना मेरा, मैं उसकी जगह पे दूसरा एक ऑप्शन लेकर के आया हूँ। आप टेलीग्राम चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 10 रुपए पर मंथ की फीस है। वहाँ पर असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, नोट्स आपको 50 रुपीज पर पेपर में मिलेंगे, सिर्फ 50 रुपीज पर पेपर, विच इज वेरी जो है बड़ी बात। आई डोंट थिंक कि अभी के टाइम पे 50 रुपए पर पेपर के हिसाब से आपको कोई भी नोट्स देगा। उससे भी बड़ी बात कि ठीक है ना, तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है, आप कर सकते हैं, नोट्स वगैरह आप ले सकते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह आप ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।